सैनी ने कहा कि अभी पार्टी ने आधिकारिक रूप से कोई नाम जारी नहीं किया है। जसकौर मीना का नाम सामने आने पर उन्होंने कहा कि दावेदारी जताने का सभी को अधिकार है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी नाम को जारी नहीं किया गया। उधर जसकौर मीना का नाम आते ही किरोड़ी लाल मीना के कैंप में हलचल बढ़ गई है। उनके समर्थक गोलमा देवी को निर्दलीय उतारने के दावे कर रहे हैं। इस पर मदन लाल सैनी ने कहा कि चुनाव में कोई भी व्यक्ति योग्यता के हिसाब से खड़ा हो सकता है। किरोड़ी लाल मीना की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि जब नाराजगी होगी तब बात की जाएगी, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा कि हमारी सारी बात सुनकर अपना स्वयं का असेसमेंट करके, और मैं सोचता हूँ आज टिकट डिक्लेयर कर देनी चाहिए। दावेदार तो 4-5 हैं, लेकिन घोषित किया है ऐसी अधिकृत जानकारी मेरे पास इस समय तक नहीं आई। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, खड़े होने का, खड़े करने का, किसी की मदद करने का, सब। तो आपको बता दें, ज्योतिबा फूले की जयंती पर, ज्योतिबा फूले सर्किल पर जब पुष्पांजलि अर्पित करने आए, तब मदन लाल सैनी ने ये तमाम बातें कही। जसकौर मीना का नाम जिस तरह से दौसा लोकसभा क्षेत्र से आगे चल रहा है, बताया जा रहा है, और जहां एक और उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है, वहीं पर किरोड़ी लाल मीना कैंप में हलचल बढ़ती हुई इस नाम के सामने आने के बाद बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जसकौर मीना का नाम सामने आने के बाद किरोड़ी लाल मीना अपनी पत्नी गोलमा देवी को निर्दलीय मैदान में उतारने की बात भी कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। शशि, जसकौर मीना का नाम दौसा लोकसभा सीट से सोशल मीडिया पर लगातार आगे चल रहा है, और कहा यही जा रहा है कि इसी नाम पर सहमति बनेगी, लेकिन मदन लाल सैनी ने इस बात की किसी भी कंफर्मेशन से इनकार कर दिया है। क्या कुछ माना जाए, किरोड़ी लाल मीना कैंप में जिस तरह से गोलमा देवी को निर्दलीय उतारने की बातचीत चल रही है, उसे लेकर मंथन बढ़ गया है सीट को लेकर? देखिए, जहां तक मंथन की बात है तो मंथन के दौर अब खत्म हो चुके हैं। पार्टी को फैसला लेना है, पार्टी फैसला किस आधार पर लेगी इसके आधार भी तय हो चुके हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये फैसला करना है, और अलग अलग समय पर पार्टी के स्थानीय नेताओं से, स्थानीय पदाधिकारियों से राय ले ली गई है, और इस रायशुमारी में किरोड़ी लाल मीणा के साथ ही गोलमा देवी का नाम था, ओम प्रकाश हुड़ला का नाम था, जसकौर मीणा का नाम था और रामकिशोर मीणा का नाम था। किरोड़ी और हुड़ला की जो प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा में किरोड़ी के खिलाफ हुड़ला ने जसकौर मीणा से हाथ मिला लिया, उनके नाम के समर्थन में, उनके नाम के पक्ष में अपनी सहमति दी। वसुंधरा राजे से जसकौर मीणा की मुलाकात भी करवाई, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, और जब तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हो जाता तब तक कोई भी नेता अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नॉमिनेशन भरने की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि उसको टिकट चाहिए, जो सिंबल होता है वो दिया जाता है पार्टी की तरफ से। ऐसी सूरत में अभी इसको लेकर, इस सीट को लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। ये बात तय है कि जसकौर मीणा और रामकिशोर मीणा में से ही एक प्रत्याशी का नाम तय होना है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कैंप की तरफ से जिस तरह गोलमा का नाम आया है, उस पर मदन लाल सैनी ने भी कहा कि किसी को भी अपनी दावेदारी जताने का, चुनाव में खड़ा होने का, अगर वो योग्यता रखता है तो अधिकार है, और गोलमा देवी भी चाहे तो ऐसा कर सकती है। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी को लेकर मदन लाल सैनी पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोई नाराजगी नहीं है, और अगर किसी स्तर पर नाराजगी होगी तो बाद में बात भी कर ली जाएगी। जी पूजा, वहीं पर शशि, जिस तरह से देश में लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान आज हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, दौसा सीट पर अभी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्या कुछ आसार इस आधिकारिक पुष्टि के लिए? देखिए, अगर समय की बात करें तो पार्टी के पास समय काफी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख से ये मामला अगली तारीख पर जाएगा। आज प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जो पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान इकाई के, वो अभी कोटा दौरे पर हैं, थोड़ी देर पहले टोंक पहुंचे थे, उनसे भी पार्टी ने फीडबैक ले लिया है। कल अमित शाह से प्रकाश जावड़ेकर की मुलाकात भी हुई थी दिल्ली में, लेकिन पार्टी इस नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? क्या जसकौर मीणा का नाम पार्टी की तरफ से ही सोशल मीडिया में फ्लोट करके
ये टटोलने की कोशिश की गई कि किस तरह का रिएक्शन आता है। अगर ज्यादा रिएक्शन आता है तो कोई प्रत्याशी दूसरा कर लिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। अगर रिएक्शन नहीं आता है तो जसकौर के नाम पर ही सहमति बन जाएगी। हो सकता है, संभव है पार्टी ने ऐसा सोचा हो, लेकिन अभी तक पार्टी को कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं दिख रही है दौसा में कि जसकौर का नाम आते ही कोई बहुत ज्यादा विरोधी लामबंद हो गए हो, एक तरफ हो गए हो। और जहां तक किरोड़ी लाल मीणा की विरोध का सवाल है तो जसकौर मियां खुद ये बात कहती रही है कि जब किरोड़ी लाल मीणा दौसा छोड़ करके दौसा के बाहर की दूसरी सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे तब उनका पार्टी में किसी ने विरोध नहीं किया। अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे थे, अपने समर्थकों को चुनाव लड़ा रहे थे, टिकट दिलवा रहे थे, तब विरोध नहीं किया। तो अब जब पार्टी अपने हिसाब से फैसले लेना चाहती है तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं? जहां तक किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का सवाल है कि इस्तीफा दे सकते हैं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं लगती क्योंकि बड़ी मुश्किल से किरोड़ी लाल मीणा तकरीबन 9 साल बाहर रहने के बाद में अपने जहाज पर आए और जब वो लौटे थे बीजेपी में। लेकिन लेकिन आशीष जी, जिस नाराजगी से मदन लाल सैनी इनकार कर रहे हैं, वो नाराजगी अगर गोलमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तो वो तो जाहिर हो ही जाएगी, क्योंकि गोलमा देवी और अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट की वो लगातार मांग कर रहे थे। देखिए, नाराजगी जाहिर हो जाएगी, ये बात सही है, लेकिन नाराजगी के एवज में कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा बीजेपी ये कर सकती है कि गोलमा को पार्टी से निष्कासित कर सकती है। अगर निर्दलीय नामांकन गोलमा की तरफ से भरा जाता है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ तब, लेकिन अगर उस सूरत में भी किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि देखा जाए तकनीकी रूप से तो किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से बगावत नहीं कर रहे हैं और ना ही उनका इस्तीफा होता हुआ अभी दिख रहा है, ना कोई ऐसा चेतावनी आई है। उनके कैंप में जरूर चर्चा है, लोग सोशल मीडिया पर भी किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ये कह रहे हैं कि जसकौर मीणा का अगर टिकट मिला तो विरोध करेंगे, लेकिन ऐसी कोई सार्वजनिक रूप से बड़े विरोध की बात बहुत बड़े स्तर पर हो रहा हो ऐसी अभी तक सामने नहीं आई है। जहां तक जगमोहन मीणा को टिकट की बात है तो देखिए, जगमोहन मीणा के टिकट के लिए लगातार पैरवी की गई। पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस से टिकट दिलवाने की बात की गई थी और तब उनका वीआरएस भी हुआ। उसके बाद राज्यसभा में जब किरोड़ी लाल मीणा जा रहे थे तब भी ये कहा गया कि वो जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या संभावना है जब किरोड़ी लाल मीणा जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांगते हैं तो गोलमा को टिकट मिल जाता है, किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा भेज दिया जाता है, लेकिन जगमोहन मीणा को पार्टी नई टिकट देती है? तो इस बात की संभावना कम लग रही है कि वो जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाहते हैं या उनको टिकट मिल रहा है। जगमोहन मीणा देखिए अपने प्रशासनिक दक्षता के लिए जरूर जाने जाते हैं, उन्होंने लंबी सेवा की है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में, लेकिन राजनीति में उनका जो दखल है वो अब तक पर्दे के पीछे करा है, वो ओपन ग्राउंड पर वो अब तक नहीं खेलते हुए दिखे हैं। चलिए, इंतजार शशि इसी बात का है जब दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो। हालांकि जसकौर मीणा का नाम फिलहाल आगे चल रहा है, देखने वाली बात होगी आधिकारिक पुष्टि कब तक की जाती है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी।